हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जराहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जयंती 31 मार्च को है। इस दिन सिंदूर से करें ये टोटका, रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। शास्त्रों के अनुसार भगवान को सिंदूर अति प्रिय है। उनको प्रिय वस्तुएं अर्पण करने से वह अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी मनचाही इच्छा को पूरा कर देते हैं। भगवान को सिंदूर इतना प्रिय होने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। इस कथा के अनुसार एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा, माँ आप अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? इस सवाल को सुनकर माता बोली, भगवान रात को दीर्घायु और प्रसन्न रखने के लिए वह लगाती हैं। माता सीता की यह बात सुनकर हनुमान जी सोचने लगे, जब जरा से सिंदूर से भगवान दीर्घायु हो जाएंगे तो मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूँ तो वह अजर अमर हो जाएंगे। बस फिर क्या था, उसके बाद से वह अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाने लगे। जिस तरह भगवान को सिंदूर प्रिय है, उसी प्रकार सिंदूर से संबंधित टोटके करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ऐसे कौन से टोटके हैं जो हनुमान जयंती के दिन हमें करना शुभ होगा, आइए जानते हैं। घर के मुख्य द्वार पर सरसों का तेल और सिंदूर का टीका लगाने से कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती, वास्तुदोष समाप्त होते हैं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करती है। इसके साथ ही शनि दोष भी नहीं लगता। हनुमान जयंती के दिन हनुमान मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें, आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। इस दिन हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर उससे सफेद कागज पर स्वास्तिक बनाएं। उस कागज को मोड़े नहीं, सदा इस कागज को अपने पर्स में रखें। प्रतिदिन इस कागज को प्रणाम करें। नौकरी से संबंधित कोई भी समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो इस दिन और शनिवार वाले दिन हनुमान जी को चोला जरूर अर्पित करें। तो दोस्तों, कल हनुमान जयंती है, आप इनमें से कोई भी उपाय करके देखिए। आपके ऊपर भगवान हनुमान और माता लक्ष्मी की कृपा अपार होगी। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।